का बर्थडे, बड़ा दिन होता है, क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का 25th बर्थडे है, आ गया बर्थडे बॉय, आ गया बर्थडे बॉय, प्लीज कवर हिम फर्स्ट. Happy 25th Avinash, he's an amazing co-actor. So I just wish the best for him because he's really one of the best co-actors. अभी के मम्मा पापा आए थे सेट में एंड बहुत ही मतलब टीम बड़े केक सबने काटे उसके लिए. सब विश क्या है कि ही लाइक्स व्हेन ही इज वर्किंग ऑन हिज बर्थडे एंड ही वाज आ गया बर्थडे बॉय. हाय हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. आपका और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ है ऑन सेट. मम्मी पापा आए थे, तानिया ने जैसे बताया कि आपको कहना चाहोगे कितनी खुशी हो रही है. आपको मैं क्या लगाया सो आई हैव टू टेल यू अभी के ये बहुत वो बहुत ही शायरी ओरिएंटेड बातें करते हैं. Yes. मैं शायरी लिखता हूँ पर्सनल लाइफ में. Yes. I write stories. Yeah. Please disclose more secrets because it's your birthday. Come on. On to you. हाँ जी. किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ? मतलब 25th बर्थडे इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. करेक्ट. 25th किस तरह का सेलिब्रेशन देखने मिला? सो बेसिकली आई थिंक वी हैव जस्ट कम और 25th बर्थडे है और बहुत ही स्पेशल है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए एंड टू मेक इट मोर स्पेशल. एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माइन, ऑल द कलीग्स, दे विल बी कमिंग टू सेलिब्रेट विद मी एंड इट्स लाइक रियली एन ऑनर. मम्मी पापा ने आपको क्या दिया गिफ्ट कुछ अगर आप बताना चाहें? मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और ये सूट दिया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं एंड एक टी शर्ट दिया और जैकेट दिया. सो या फैशन से रिलेटेड मतलब बता के बहुत सारे गिफ्ट मिले ऑफ कोर्स, पर इस बार आपने खुद को कौन सा तोहफा दिया है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा कि नहीं ही वाला है वाला होगा इस बार. खुद को एक्चुअली टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं सोच रहा था कि मैं आऊँगा, मुझे यहाँ आना भी था टू सी द प्रिलिमिनरी चेक्स एंड एवरीथिंग. बट एज यू कैन नो कि शूटिंग अ टीवी शो कितना हेक्टिक हो जाता है एंड वी हैव बीन शूटिंग इट लाइक एवरी डे लास्ट लास्ट. तो अभी आए हैं सो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाऊँ कहीं कि अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदूँ. बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे शूज़ वगैरह, क्लोथ्स वगैरह आई हैव बॉट फॉर माय सेल्फ. थैंक यू. थैंक यू. डन गाइस. चलो हो गया. चलो चलो. हेलो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. बहुत बढ़िया. अरे अरे थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सर यहाँ पर हाँ जी आ जाओ गाइस थोड़ा सा. सेंटर यहाँ पे प्लीज प्लीज. हाँ 1 सेकेंड.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अवि, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो बर्थडे विशेस दे देती हूँ, क्योंकि अविनाश का बहुत ही खास दिन है, उसका 25th बर्थडे है। और ख़ास बात ये भी है कि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो क्या कुछ गिफ्ट लाए हो अविनाश के लिए? फ्लावर्स लेकर आई हूँ, अपना प्यार लेकर आई हूँ, अपनी बेस्ट विशेस लेकर आई हूँ। और आई थिंक मुझे फूल बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि फूल देखकर ही किसी को भी आप चीयर अप कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, फ्लावर्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। खतरों के खिलाड़ी, अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि गाइस मैं टीवी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। आई एम डूइंग थिएटर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेब, तो मैं वही सब कर रही हूँ, मैंने फॉलो नहीं किया है कोई भी रियलिटी। आएगा जल्दी इंशाल्लाह, आप दुआएं कीजिए, ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो किया, रुकिया रुकिया, जब विशाल ले ले भाई, चलो 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 जी, पार्टी लगा लगा नहीं लगाया। अविनाश इज एंड आई हैव लिटरली स्टार्टेड माय करियर विद हिम, क्योंकि हम दोनों ने साथ में बालिका वधु में काम किया था। एंड यू नो वी ऑल गेट बिजी, लाइफ हैपेंस, वर्क हैपेंस, बट some people are very special, and I'm very happy with the kind of space that we both are in right now, and a very happy birthday. Thank you so much. Hum to wo bhool jate hai, but yeah, very happy to be here and wishing him lots of love, success, happiness and everything. Yeah, thank you so much, and you're looking very pretty. Thanks. Yeah, I've directly come from my shoot and I was so dazed. But isn't she looking very pretty? Yeah. So always. Of course. Thank you. Kitna change nazar aa raha hai Avinash mein, jab pehle dekha tha aur ab ka jo Avinash hai, pehle kab dekha, last time kab dekha tha? Last time I think two saal pehle. So we were also in the same college, and he was my senior when I was in the first year. He was my super senior. Achha, and that third year. Yeah. Okay. Yeah, so then we bumped into college, which was very unexpected, because obviously हम दोनों ने काम करना जल्दी शुरू कर दिया था, सो वी नेवर क्रॉस्ड पाथ्स, बट आई थिंक वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर, एंड देन उसके बाद हमारा कभी मिलना नहीं हुआ, बट आई थिंक दीज आर द टाइम्स, बर्थडेज, ओकेजंस वेयर यू नो गेट टू मीट पीपल यू एडमायर। इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू कम, थैंक यू। थैंक, इट्स योर बर्थडे, सो या यस। आज क्या कुछ स्पेशल है अविनाश के लिए? Special, it's his birthday, और उससे ज़्यादा special और क्या सकता है? I mean, it's the fact that we surprise एक खुद आई है, ये बहुत बड़ा surprise है। Yeah, we just going to have a good time and make the most of the day, which is his birthday, and wishing him love and luck. Yeah, that's about it. किस तरह की shooting हो रही है? आप कुछ बोलने से shooting के बारे में? वो तो ये ना, एक second, यहाँ पे हम only want to talk about Avinash's birthday. We'll get to know about it later. Don't worry. चला. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. थैंक यू, फोटो वगैरह रेडी गाइस, अजय रोल मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी 25 लगा है, और खूब सारी गर्लफ्रेंड बनाओ, मौज करो, पार्टी करो, एंजॉय रहो, एंजॉय करो, खुश रहो। क्या कुछ सरप्राइज लाया है?
सरप्राइज मैं आऊँ ना और मेरे बाकी सरप्राइज दूंगा बढ़िया से। एज एन एक्टर व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम? ही इज अ रियली गुड एक्टर और वो बहुत मतलब हर एक स्क्रिप्ट जो होती है वो अच्छे से पढ़ के बोलते हैं सारी चीज़ें करता है तो दैट इज अ रियली गुड थिंग फॉर अ को एक्टर टू एक्ट विद हिम। खतरों के खिलाड़ी आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कौन है आपका फेवरेट? मेरे फेवरेट जो थे दो वो निकल गए, बाकी जो बाकी है वो भी मेरे फेवरेट है क्योंकि मैं इतने दिन से शो फॉलो कर रहा हूँ तो जो नहीं भी जिनको नहीं भी जानता था मैं जान गया उसको। मैंने ऑस्ट्रिच के टास्क के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कनिका और रूबीना जी के बीच में एक टास्क हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कुछ दो महीने बाद बिग बॉस शुरू होने वाले आपको वहाँ दिखेंगे कुछ ना कुछ लोग ऐसे मजा आएगा। ऑडियंस कौन सी ऑडियंस? हाँ अच्छा, सभी को मेरा प्यार और जो कैमरे के दोस्तों हैं उनको भी मेरा प्यार और मुस्कुराइए खुश रहिए और हैप्पी बर्थडे टू अविनाश। मतलब अविनाश का बर्थडे है और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। हम लोग मतलब क्योंकि उत्तराखंड से भी मैं शिवाय को बुला के लाया हूँ कि यार आज सीधे इंजॉय करने के लिए। सो हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, अविनाश ने प्लान किया था, सो फाइनली आज हो रहा है। स्पेशल है वो तो अंदर धमाल मचेगा, थोड़ा डांस वांस होगा और बॉलीवुड गाना भी डांस होने वाला है तो बाकी स्पेशल सारे दोस्त लोग मिलेंगे जो एक्चुअली काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ गेट टुगेदर भी नहीं हो पाया था जहाँ पर हम लोग बाहर जा पाए कोरोना की वजह से या क्योंकि बता रही और डेली सूट में इतना टाइम मिलता नहीं, बट आज तक ही नहीं सब टाइम प्रोडक्शन हाउस का थैंक्स कहना चाहेंगे उन्होंने टाइम स्ट्राइव किया। सरप्राइज है अविनाश के लिए, बहुत सारे सरप्राइज हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, कुछ सरप्राइज फैंस हैं जो आने वाले हैं जिनको अविनाश ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, दे विल बी हियर। सो या ही इज वेरी हैप्पी। कुछ अच्छे मोमेंट्स उनके साथ शेयर कर दें अगर जो आप अविनाश के साथ। एक्चुअली बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार ऐसे शेयर करने लाइक, अगर मैं कहना चाहूँगा तो मैं जब अविनाश को मिला लास्ट ईयर तब he's playing my elder and playing that character is really difficult, playing that character at this age is quite young and he's playing elder boy jis maturity se wo kaam karte hain, jis sincerity se apne kirdar ko nibhate hain wo mujhe dekh ke bahut hi acha laga aur agra mein hum logon ne bahut fun kiya, agra se hamari bonding start hui yahan par hum ek hi hotel mein rehte the, main shoot karte the sab kuch yahan par aur abhi to aisa ho gaya ki main agar koi छोटा सा भी जोक मारता तो अविनाश ऐसे जमीन पे लौट जाता है। उससे बॉन्डिंग समझ आती है कि हमारी कितनी गहरी बॉन्डिंग है, मेरे थॉट्स को कितनी जल्दी समझ जाता है। कई बार लोग बाकी जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे तानिया हो गई राधिका क्यों हंस रहे थे, हम दोनों आंखों आंखों में समझ जाते हैं और हम लोग बहुत हंसते रहते हैं। देखिए इस बार मेरा कोई फैन तो नहीं गया पर हाँ आई नो मोस्ट ऑफ दैम। मैं फिलहाल रूबीना को कर रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर मैं यार पर्सनली मैं झलक दिखला के मैं जाना पसंद करूँगा झलक बिकॉज आई लव डांसिंग और खतरों के खिलाड़ी तो उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट। आपका सर कुछ न्यू प्रोजेक्ट अभी तो यार ससुराल से मतलब जिंदाबाद जब तक ये है तब तक नया कुछ आएगा, कुछ वेब सीरीज वगैरह है, कुछ फिल्म की बात चल रही है बट लेट्स सी एक बार चीज़ें प्रॉपर हो जाए। सर आपने बोला झलक दिखला तानिया जी भी बोले तानिया को तो अरे वो तो पागल लड़की है साथ जाना था दोनों साथ में रहे हम दोनों साथ में चले जाए तो मजा आ गया सोने पे सुहागा ऑडियंस किस तरह से ये पैर को देखेगी पर झलक दिखला दे उन्हें पेयरिंग नहीं होती नहीं तो हम दोनों साथ में चले जाए मजा आता वो नजबलिए में होता है नहीं तो बहुत पेयरिंग होता नहीं है झलक में नहीं होता वैसे रहता है। सो लेट्स सी बट हम दोनों अलग अलग जाएंगे मगर एक ही स्टेज पर रहेंगे ओके गाइस थैंक यू सो मच। सर सर आप जो करण सर वो साइड में ना थोड़ा कवर कर ओके शिवाय कितने इधर लिया ना
प्लीज प्लीज पुट योर हैंड्स, चल प्लीज 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अविनाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, धन्यवाद अरे फॉर यू देन, अरे फोटो क्या भी, थैंक यू फोटो लेने, फोटो लेने गाइस, फोटो फोटो सेल्फी वाली फोटो, यस यस सेल्फी वाली फोटो, सेल्फी वाली फोटो, ठीक है पहले बाल ठीक कर लो, बाल ठीक है ठीक है पहले बाल, नहीं नहीं यार एक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बाल होती है, ओके गाइस शिवाय कहां है, कम से एंड वन मोर, वन मोर एंड पिसा मीडिया एंड थैंक यू अमिका जी मिला नहीं है, यहाँ पे रुके ना, बस दिस इज द वन, यस दिस इज द वन, यस पता ही नहीं चला है, लैंड लैंड में लैंड स्टेज का और मुझे कहा कि मेरा 25th बर्थडे है, तो मैंने कहा 25th कहना जरूरी था क्या, नहीं आप 25वां बर्थडे है बिल्कुल, एक बड़ी सी पार्टी तो बनती है और इतना अच्छा काम कर रहा है तो सेलिब्रेशन बनता ही बनता है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, ये बचपन से काम करते आ रहा है, मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा 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 अच्छा काम करता रहे। कुछ ऐसी बातें लाइक एज अ कोस्टार, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम? सी आई लाइक द पैशन अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम, जो आए थे शो में, ये मेहरजान पता नहीं अंदर चला गया, सो अविनाश जिज्ञासा और मेहरजान जब शो में आए थे, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि अगर ये अच्छे नहीं आए तो मेरे शो का क्या होगा, बट गॉड इज बीन काइंड, सारे अच्छे आए, 3 days आज रियूनियन हो रहा है हमारा, हमें आना ही था इस बर्थडे पार्टी में, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। कितना मिस कर पाते शक्ति जब हम मिलते हैं, जब कोस्टार मिलते हैं तो कुछ बातें होती रहती है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए शक्ति 6 साल रहा है, इनफैक्ट एक ऐसा अभी कुछ टाइम पहले एक छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे मैं रो पड़ी थी और मुझे रोते रोते देख के ये भी रो पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इट वॉज नॉट ओनली अ शो फॉर अस, एक फैमिली बन गई और एक एक ऐसा इमोशन है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा, इसलिए आज मैं मैंने अभी अभी एक नए शो की शूटिंग शुरू की है, मैं उसी स्टूडियो में गई, उसी सेट पे गई, बहुत हेक्टिक दिन था, प्लीज़ दुआ करो मेरे लिए, नया शो है, संजोग अच्छा चले। कुछ बताना चाहोगे उस शो के बारे, आपके किरदार के बारे में? कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किया नहीं है, आप लोग प्रोमो देख के शायद पता चल गया होगा, सो बहुत मेहनत है और एक नया कैरेक्टर है तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, सो मैं अभी नायगांव शूट करके घर जाके फ्रेशन अप होके फिर आई हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि ये शक्ति की जो टीम है उनसे मिलने का एक चाव भी था, अभी डेफिनेटली मैटर्स टू मी अ लॉट, सो वो भी है, सो हाँ
हमारी शक्ति की टीम को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि शक्ति को वापस आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए, और संजोग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए जो बहुत जल्द आने वाला है। मैम खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? फॉलो कर पा रहे? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि प्रतीक है वो बिग बॉस नहीं जीत पाया, टॉप 2 में आया था। मैं चाहती हूँ कि जो सीढ़ी उसने चढ़ी है, हाय हाय, ओ नो प्रतीक, आई वांटेड हिम टू विन, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। और आई थिंक खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है वो इट्स नॉट कि आप कितने अच्छे से स्टैंड करते हैं और कितने अच्छे से डांस करते हैं और कितनी हिम्मत है आप में, इट्स अबाउट लक ऑल्सो, कि वो एक सेकंड का भी फर्क है ना वो बहुत मैटर करता है। इट्स अबाउट लक कि उस वक्त आपका ताला खुला कि नहीं, उस वक्त शेर आप पे झपका कि नहीं झपका, सो ये एक लक की बात है। बट आई विश जो भी अच्छा है, जो बहुत बेहतर है वो जीत जाए। बट हाँ मुझे पता है कि वो स्टंट करना इतना आसान काम नहीं है, सारे बहुत ही अच्छे हैं और कुछ तो मेरे दोस्त हैं उसमें से, सो आई विश देम ऑल द लक। मैम आपके किस तरह के प्रोजेक्ट्स का सवाल है? मैम मेरा सवाल है, मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना चाहती हूँ, किसी को नहीं जानती। मैम आप किस तरह के प्रोजेक्ट आपके आने वाले समय में देखने वाले? प्रोजेक्ट जब आएंगे तो सबको दिखे जाएंगे। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट माय प्रोजेक्ट्स। एंड खतरों के खिलाड़ी आप फॉलो कर पा रहे हो? मैं फॉलो कर रही थी और इस बार मैं जाने भी वाली थी पर मैं गई नहीं, बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। और मैं फॉलो कर रही हूँ, माई फेवरेट वॉज जन्नत, वो छोटा पैकेट पड़ा था मांग रहा है, बट आई थिंक No, प्रतीक इज एलिमिनेटेड। अच्छा प्रतीक, ओके, सो माय फेवरेट इज जन्नत, आई रियली रियली लाइक हर। ओके मैम कुछ करते हैं रीना जी भी बता, महंगाई के मुद्दे पर पार्लियामेंट नहीं चल। अरे यार रियली हैप्पी बर्थडे अविनाश, हैप्पी बर्थडे अविनाश। आज के दिन तो सभी के अंदर कर रहे हैं। अरे नहीं ये वाला स्पेशल है। कुछ महीनों से मैं एकदम गायब थी और कुछ सोच समझ के गायब हुई थी, अब आऊँगी तो वापस जैसे आती हूँ हमेशा वैसे आऊँगी। अविनाश बर्थडे, अविनाश बर्थडे। हेलो लास्ट, जिसके अंदर वो खींच लेना अंदर। यार तू मुझे छोड़ के अंदर चला गया, मैं अभी तक बाहर हूँ। केक काट रहे हैं यार, केक काट रहे हैं अंदर, देखना यार। 2 मिनट में आ रही हूँ, जी को भी उधर ही खड़ी है, 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो यार केक काटने जाना है। थैंक यू। मैं अपनी शक्ति को टीम, शक्ति की टीम को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे और भी एक्टर्स होंगे अंदर जिनसे वैसे रूटीन में मुलाकात नहीं हो पाती, तो सबको मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। जब अविनाश के साथ पहले दिन हमारी शूटिंग थी, हम प्रोमो शूट कर रहे थे और मैं
थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन कि ये जो तीन बच्चे आ रहे हैं ये पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मैं शक्ति से बहुत प्यार करती हूँ और उस वक्त विविन जा चुका था, रूबीना जा चुकी थी, तो ऐसा था कि ओ माय गॉड अब ये जो नए आएंगे वो अच्छे अगर ना निकले तो पता नहीं मेरे शो का क्या होगा। सो जब पहला दिन था और जब पहला शॉट था और जब मैंने इन तीनों को देखा, वो पहला शॉट के बाद जो होता है ना, हाँ अच्छा है, जैसे कि होता है ना कि बहुत गर्मी के बाद बारिश आती है तो कैसा लगता है कि अरे वाह चलो गुड। सो इनका जो जो हमारा पहला शॉट था वो काफ़ी यादगार रहा है मेरे लिए, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तीन आए इस शो में जिन्होंने इस शो को और बेहतरीन बना दिया है, एंड आई एम गोइंग इनसाइड क्योंकि अभी अभी का केक कट रहा है। नया शो है, नया किरदार है, नया लुक है, प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मेरे सारे किरदार को इतना चाहा है कि आज भी आप सब मुझे उस किरदारों के नाम से बुलाते हैं, कभी प्रीतो बुलाते हैं, कभी सिंदूरा बुलाते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप मुझे गौरी बुलाएं और मेरे शो को, इस शो संजोग को बहुत सारा प्यार दें। यही तो कहा ऑडियंस से, चलो बाय, थैंक यू। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी अच्छी लगती हो एज एन एक्टर एज एन फ्रेंड? एक टाइम था जब बालिका वधू लोगों को रुलाया है, वो उस टाइम से कर रहा है जब हम तो क्या इस कुछ पता नहीं था कि सब करने भी वाले कि हम मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है इस साल, बट यार अपने फ्रेंड्स हैं जन्नत फैजू है, तो आई जस्ट विश देम लक के रियलिटी शो पर है ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स कॉल्ड सोशल करेंसी, देखते हैं इस साल आ जाएगा। बताना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? इट्स अ रियलिटी शो ऑन नेटफ्लिक्स। इसके अलावा कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरा नेक्स्ट सिंगल आ रहा है जिसका नाम है कुछ तो लागे कम, एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है इश्क पश्मीना, इसी साल आएगी। और तीनों ग्रुप को हम फिर से कब पाएंगे? मेरे गाने में देख पाओगे? हमने दुबई में कुछ शूट हो रहा था आपकी शूट, हाँ मैंने वो तो मेरा नेक्स्ट सिंगल है, मैंने और लीशा पाटीदार करके एक हमारी एक्टर है उसके साथ हमने किया। Thanks. एक विशाल काफी अच्छा लगा आपको देखते हुए, अविनाश जी का 25th बर्थडे, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? 25th बर्थडे है अविनाश का, और मुझे मैं पर्सनली अविनाश को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, रेगुलरली मिल नहीं पाते, बट जब भी ऐसा मौका होता है हमेशा ही मैंने देखा है कि वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करता है, मैसेज पे हो, स्टोरीज पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या हम लोग मिल के हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ अच्छे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड आई एम रियली रियली सो प्राउड ऑफ हिम, और आज का दिन उसका दिन है, और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन वो अपने दिलो जान से खुश रहे और बहुत पॉजिटिव रहे हमेशा। एज ए फ्रेंड क्या कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आपको काफ़ी अच्छी लगती है? एनी क्वालिटी? अविनाश एक बहुत ही मुझे पता नहीं उसके वाइब्स देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है वो ज़्यादा एज एन एक्टर से ज़्यादा एक एज बिजनेसमैन मुझे पता नहीं प्रेजेंट होता है मेरे सामने हमेशा ही, और बहुत ही एक प्रोफेशनल लड़का लगता है मुझे, और एक पॉजिटिव वाइब है उसके साथ हमेशा ही, उसको जब भी मिलते हैं तभी, तो आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज आई फील ही है। विशाल जन्नत एंड फैजू इज डूइंग रियली वेल इन कतर, वो खिलाड़ी आपके दोनों काफी अच्छे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? फॉलो कर पा रहे हो? मैं फिलहाल तो एक्चुअली मैं टेलीविजन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और बट मैंने हमेशा ही कहा है क्योंकि मेरी जन्नत बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग महाराणा प्रताप के टाइम से एक दूसरे के साथ है और अब तक कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि वो जीते, और मेरी गुड विशेष हमेशा उसके साथ थी और है और रहेगी। कितनी
खुशी की बात होती है, कितना अच्छा लगता है कि our friend is doing really well. Being an underdog, काफी लोगों ने कहा था एज काफी छोटी, बट एज डजंट मैटर. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जन्नत बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और मैंने फर्स्ट सेकंड एपिसोड मैंने देखा था और मुझे उससे पता चला कि वो फियरलेस भी है. वो किसी भी स्टंट को करने से पहले डरती नहीं है और बहुत कॉन्फिडेंट है नॉर्मली भी, अपने लाइफ में भी और ऐसे कोई शोज़ में भी. इससे पहले भी उसने कुछ रियलिटी शोज़ किए हैं जहाँ पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इवन यहाँ पे भी उसकी तारीफ हो रही है. तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मैं करीब से जानता हूँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही प्राउड वाली बात है. विशाल मर्दानी 2 और जो हॉटस्टार पे जो शो था उसको काफ़ी प्यार मिलता है जी. काफ़ी अलग शो, कल काफ़ी अलग किरदार आपने निभाया था एज एन पर्सन से. किस तरह के रोल आप आने वाले समय में देखते हो? नेगेटिव किरदार को काफ़ी सराहा जाता है. हाँ, स्पेशली मर्दानी 2 को जी प्यार मिला है जी जी. महाराणा प्रताप से काफ़ी अच्छा, क्या कहना चाहोगे? किस तरह के रोल आप एक्सप्लोर करना चाहिए, मोर लाइक महाराणा प्रताप और मोर लाइक मर्दानी 2? दोनों ही, और आई थिंक दोनों ही नहीं, मैं एक लालची एक्टर हूँ और मुझे भी उन सारे एक्टर्स की तरह सभी तरीके के रोल करने हैं जो मेरे लाइफ में आए, जो मुझे चैलेंज भी करे. कहीं कहीं पे ऐसे रोल भी करना चाहता हूँ जो मेरे कंफर्ट जोन के भी हो, और वो भी करना चाहता हूँ जिसमें लोग मुझे देखना पसंद करते हैं. तो मैं अपने आप को किसी एक रोल का रोल की बात करके लिमिट नहीं करना चाहता कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसी टाइप के रोल करना चाहूँगा. डेफिनेटली मुझे एक वर्सेटाइल एक्टर का अगर टैग मिले तो मुझे बहुत पसंद आएगा और मैं कोशिश करता हूँ हर बार अपने किए हुए काम से अलग काम हो. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? एक्चुअली है तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, 4 फिल्में हैं जो आने वाली है और फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट समय आने पे डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. थैंक यू.